हेलो व्री वन वेलकम बैक कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि अब की बार आप सभी लोगों के अप्लाइड मैथ फर्स्ट का पेपर किस तरीके से होने वाला है और पिछली बार जो पेपर हुआ था वो आपके सामने दिख रहा होगा और इस पेपर को मैं सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और उसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो डियो बहुत ही होने वाला है। कहीं पर भी सबसे पहले उसका पेपर कैसा होगा डियो ये जो आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल पेपर है जो कि मैंने अपने एक स्टूडेंट के माध्यम से मंगवाया है और आप सभी लोगों के साथ मैं यहां पे शेयर करने चल रहा हूँ डियो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिटर्न होगा मैं आपको ध्यान से समझिएगा सब कुछ समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स आप यहाँ पर टाइम देख पा रहे होंगे कि आपका जो पेपर होगा वो ढाई घंटे का होगा पेपर कितने नंबर का होगा सर राइट साइड में देख आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मैक्सिमम मार्क्स है स्टूडेंट्स वो कितना लिखा हुआ है 50 मार्क्स का लिखा हुआ है आगे नोट्स लिखे हुए अटैम्प आल क्वेश्चंस मीन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना होता है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द क्वेश्चन शुड आंसर बी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन देखो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी के पेपर को देख करके ही सॉल्व करते हैं तो अगर आपको हिंदी का जो क्वेश्चन हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है

देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मीन्स ट्वेल्व क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए ध्यान दो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसमें ट्वेल्व क्वेश्चन आपको गिवेन होंगे उन ट्वेल्व क्वेश्चन में से कोई टेन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन वन मार्क्स का होगा आप देख पा रहे होंगे इसलिए इस आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको टेन मार्क्स यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टेन पार्ट्स आपको डिस्ट्रेंडेंट्स करने होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, इसको आप लोग आसानी से कर सकते आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए तो ध्यान दीजिए अभी मैं इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड भी आपको बताने वाला हूं मैं आपका समय ज्यादा यूज नहीं करूंगा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं सिखाने का बताने का प्रयास करूंगा अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आंसर एनी फाइव पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कोई पांच प्रश्न करना होगा एक प्रश्न दो नंबर का होगा इसलिए यहाँ पर भी आपको दस नंबर मिल जाएंगे अब देखो यहाँ पर कितना क्वेश्चन दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन क्वेश्चन दिया है उन सेवन में से कोई फाइव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा टोटल यहां क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सारे पार्ट को करने पर भी आपको टेन मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए लिखा आंसर एनी टू यहां पर कोई दो करना होगा थ्री क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहे होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है पांच नंबर का होता है इसलिए यहां से दस नंबर मिलता है क्वेश्चन नंबर फोर में भी सेम कंडीशन होती है आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग और प्रत्येक पार्ट जो होगा वो पांच नंबर का होगा ठीक है पांच पांच नंबर क्वेश्चन होते हैं थ्री फोर फाइव सब तो कुल मिलाकर के यहाँ से भी आपको कितने मार्क्स मिलते हैं टेन मार्क्स मिलते हैं सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फाइव में जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी आपको थ्री पार्ट्स दिए होते हैं जिसमें से कोई भी दो पार्ट्स करना होता है प्रत्येक पार्ट्स जो होते हैं डी एस तो कितने नंबर के होते हैं फाइव मार्क्स के होते तो हैं टोटल यहाँ से आपको टेन मार्क्स मिलता है तो आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका होगा उसमें टेन पार्ट्स होंगे और वो सब के सब एक नंबर के क्वेश्चन होंगे वहाँ से दस नंबर मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपका होगा वो दो नंबर वाला होगा उसमें फाइव पार्ट्स आपको करने होंगे वहाँ से भी आपको टेन मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन नंबर

आप इंग्लिश वर्जन का यूज करते हुए अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं यह होता है आपका पेपर यह डिशेंट आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो अभी पिछले सत्र में हुआ है मीन्स अभी आप दो हजार बाईस में है दो हजार इक्कीस में जो आप सभी लोगों का पेपर हुआ था अप्लाइड मैथ फर्स्ट का वही है ठीक है वही पेपर है मतलब जो आपके जस्ट पहले वाला जो पेपर है उसी का सारा का सारा डाटा यहाँ पर आपके सामने हमने रख दिया है और आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा देखो यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है ठीक है 2021 ठीक है आठ ग्यारह यहाँ पे कुछ करके कोड वगैरह पड़ा है तो 2021 वाला पेपर है ये अभी आप बात करते हैं डिओसेंट्स इसको हमें सॉल्व कैसे करना है क्या मेथड होगा इसको सॉल्व करने का तो डिओसेंट्स अभी इस पेपर को जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको सेंड कर दूंगा जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहेगा साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा अभी वीडियो सेंस आपको यह पेपर वहां पर मिल जाएगा आप सभी लोग क्या करना है इस पेपर को सॉल्व करना है ध्यान दो खुद से सॉल्व करना देखो अगर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आ रहा होगा तो उससे आपका टाइम लॉस होगा इसलिए हम क्या करें कि ईमानदारी से आप सभी लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे और जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होंगे उसको आप मुझे बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के किस पार्ट में प्रॉब्लम है सेकेंड के किस पार्ट में प्रॉब्लम है थर्ड के किस पार्ट में प्रॉब्लम है देखो यहां पर जो लिखा है एनी टेन कोई दस क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको केवल दस ही नहीं करना आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा होते हैं रिपीट तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम उसका पेपर का सलूशन पूरी तरीके से आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा देंगे और आपका ये जो है पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आप बेहतर एक्सपीरियंस वहां करेंगे इसी तरीके से अगर ये सिस्टम आपको अच्छा लगेगा तो मैं प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हों सबको इसी तरीके से आपके पास सेंड करना करता जाऊँगा आप सभी लोगों को उसको सॉल्व करना होगा सॉल्व करने के पास पश्चात जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका सोल्यूशन आने वाले संडे को स्टूडेंट्स कराया जाएगा ठीक है ना संडे को या उसके पहले जितने जल्दी जल्दी आप लोगों के सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उतनी जल्दी जल्दी उसका सोल्यूशन करने का हम प्रयास करेंगे तो डियर फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी फटाफट से आप लोग कॉपी और पेन को निकालिए और इस पेपर को सॉल्व करिए सॉल्व करने के पश्चात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस क्वेश्चन का सलूशन एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से बता दूंगा जिससे आपका 2021 का प्रीवियस ईयर जो मॉडल पेपर होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आई होप डियर स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है जो मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा क्योंकि इसमें मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के सिलेबस के बारे में मींस मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस कर दिया और ओरिजिनल पेपर के साथ आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया है तो आप देख पा रहे कितनी किस तरह के क्वेश्चन है किस तरह के लिए देखो आपको हम बताए फ्रेंड्स अगर प्रीवियस फाइव ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से ना तो आपके बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त होंगे उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं इसलिए जितना कह रहे उतना आप सभी लोग करते चलिए इसके अतिरिक्त आपको पता है डी स्ट्रेंड्स शाम को आप सभी लोगों के लिए मैं मैंथन बैच स्टार्ट किया हूँ जिसमें हम प्रीवियो क्वेश्चन ही आप सभी लोगों के साथ सॉल्व कर रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर का से आप सभी लोग की बहुत ही बेहतर हो जाएगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमें से लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स का समाधान आसानी से हो जाएगा बाकी स्टूडेंट्स आज की बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तकलीफ शानदार रहिए और पढ़ते रहिए